की बड़ी खबर आपको दे दे, विश्वास मत के पक्ष में सिर्फ 99 वोट, यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई है। कुमारस्वामी अपनी सरकार को बचा नहीं पाए और इसी वजह से बेहद भावुक भाषण भी उनकी ओर से कुछ देर पहले दिया गया था। आप सुन रहे हैं स्पीकर की ओर से पूरी जानकारी दी गई है। विश्वास मत के विपक्ष में 105 वोट पड़े, विश्वास मत के विपक्ष में 105 वोट पड़े हैं और इस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिर गई। 100 के आंकड़े को भी ये सरकार पार नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस वक्त बेहद मजबूत और विश्वास मत के पक्ष में 99 का आंकड़ा 100 के आंकड़े को भी छू नहीं पाए। कुमारस्वामी, बड़ी खबर कर्नाटक की, कर्नाटक का नाटक अब इस रूप में खत्म हो रहा है। स्पीकर की ओर से अपनी बातें रख दी गई हैं सदन के सामने। बीजेपी के लिए कर्नाटक के लिहाज से बहुत बड़ा दिन और आपको सदन के भीतर राष्ट्रगान हो रहा है। आपको बता दें कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से सामने आई है। कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई है, लगातार बचाने की कोशिश की गई। येदुरप्पा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, येदुरप्पा के पक्ष में 105 यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 105 वोट पड़े हैं जबकि कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े हैं और इस तरह से अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। विश्वास मत के विपक्ष में येदुरप्पा के पक्ष में 105 वोट पड़े हैं और वैसे भी आपको बताते चले ये जो 105 विधायक हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो जेडीएस और कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था अपनी पार्टियों से और लगातार अपने नेताओं के ऊपर तमाम तरह के आरोप जड़ रहे थे उनकी ओर से। और ये देखिए बधाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। येदुरप्पा को बधाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, देखिए किस तरह से हाथ ऊपर उठाकर कैमरे की तरफ अब ये बताते हुए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अपने विधायकों के साथ येदुरप्पा इस वक्त खड़े हुए हैं और विक्ट्री साइन दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम विधायकों की ओर से, यानी कि जो विधायक अलग हो चुके थे उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और इस तरह से 99 सीटों के साथ कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई है। एक और राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया, एक और राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से चला गया। येदुरप्पा यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जितने भी मीडिया कैमरे वहां पर हैं उन सभी के आप सामने देखिए किस तरह से अपने तमाम विधायकों के साथ खड़े हुए हैं येदुरप्पा। और अब उनके लिए खुशी की बात क्योंकि उम्मीद इसी के साथ कि अब वो सरकार बनाएंगे कर्नाटक में। शालिनी नोबो हमारी संवाददाता लगातार वहां से पल पल की जानकारी दे रही है। शालिनी, तो आखिरकार कर्नाटक के नाटक का अंत हो गया, पराक्षेप हो गया, विक्ट्री साइन के साथ येदुरप्पा सामने आ गए हैं और कुमारस्वामी की सरकार गिर गई कर्नाटक में। आप देख सकते हैं जो सारे बीजेपी के एमएलएज हैं वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये लगातार जुलाई 6 से ये ड्रामा चल रहा है, यहाँ ये नाटक चल रहा है कर्नाटका से। कर्नाटका में थर्सडे फ्राइडे मंडे तीन दिन, आज फोर्थ दिन था जहाँ पे ये ट्रस्ट मोशन का डिबेट हो रहा था यहाँ असेंबली में। अब ट्रस्ट मोशन भी हो गया, कांग्रेस जेडीएस कोएलिशन के पास 99 एमएलए और बीजेपी के पास 105 एमएलए। तो येदुरप्पा के फेस में जो खुशी है वो आप उन तस्वीरों से देख सकते हैं कि वो बहुत खुश है। एक साल पहले, ऑलमोस्ट 14 मंथ्स पहले, येदुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर की सीट लिया था और रिजाइन किया था और शायद वही खुशी है जो आज आप देख सकते हैं उन तस्वीरों में कि आज येदुरप्पा बीजेपी वापस कर्नाटका में आ गया, बीजेपी सरकार वापस कर्नाटका में आ गया और शायद वो अपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा ही है जो इतनी खुशी से कैमरा की तरह विक्ट्री साइन दिखाई दे रहे हैं अभी। बिल्कुल महत्वपूर्ण आप कह रही है, देखिए किस तरह से येदुरप्पा के पक्ष में यहाँ पर 105 वोट पड़े और इसी वजह से अपनी जीत से गदगद विश्वास मत के पक्ष में 105 वोट पड़े। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, सबसे बड़ी वो पार्टी बनी थी। लेकिन चूंकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने कुमारस्वामी को समर्थन कर दिया और कुमारस्वामी की कम सीटें, तीसरे नंबर की पार्टी होते
होते हुए भी एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए कर्नाटक के, और बाद में फिर हमने देखा था किस तरह से एक बहुत बड़ा नाटक हुआ था जिसके बाद येदियुरप्पा को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो समय का पहिया है वो घूम कर एक बार फिर से वापस आया है। भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम विधायक विक्ट्री साइन दिखाते हुए और ये जताते हुए कि अब तो सरकार हमारी बनने जा रही है। और कुल मिलाकर आपको ये भी बताते चले कि कर्नाटक में सरकार बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की देश में कुल 17 राज्यों में सरकार बन जाएगी। कर्नाटक में लगातार उसकी नजर गड़ी हुई थी। कर्नाटक में अगर लोकसभा के लिहाज से भी हम देखें तो लोकसभा में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था। 27 सीटें इस पार्टी ने जीती थी। शालिनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। शालिनी, अब ये बताइए आगे क्या होगा कर्नाटक में? अभी चीफ मिनिस्टर ने अपने चेंबर्स में गया है। चीफ मिनिस्टर का एक कोट है, इट्स ओके, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। चीफ मिनिस्टर अपने चेंबर्स से गए, वो अभी नहीं है असेंबली के अंदर, अपने चेंबर से गए, लेकिन अब इसके बाद वो राजभवन जाएंगे अपने इस्तीफा, अपनी रेजिग्नेशन टेंडर करने के लिए। वहां पे भी पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है राजभवन के सामने, और यहाँ बैंगलोर, एंटायर बैंगलोर पुलिस लिमिट में अब सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है ताकि पोलिटिकल पार्टी के बीच में क्लैशेज ना हो। 48 आवर्स के लिए सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, लेकिन अभी विधान सौदा में भी बहुत सारे पुलिस यहाँ पे मौजूद है ताकि कुछ अनटूवर्ड ना हो सके। विधान सौदा के अंदर, विधान सौदा के बाहर भी सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, और 2 दिन के लिए एंटायर बैंगलोर सिटी लिमिट के में। लेकिन अभी इस वक्त जो कोट मिला है सीएम से, इट्स ओके, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। सीएम को भी पता था, ये पूरा डिबेट से पहले सीएम को भी पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है। बहुत बहुत दिन इन लोगों ने ड्रैग किया, डिले किया ताकि वो रिबल एमएलए से बात कर सकते या इंडिपेंडेंट एमएलए से बात कर सकते। कहीं पे भी क्या 4 लोग अपने पास आके इधर बीजेपी से एब्सटेन कर सके या कांग्रेस के फेवर में वोट कर सके, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब येदियुरप्पा के पास 105 एमएलए है, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सरकार आ गया, किस खुशी में बीजेपी एमएलए बाहर आ रहे हैं। सारे लोग विक्ट्री साइन दे रहे हैं, सारे लोग बाहर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दे रहे हैं। बहुत खुशी है उनके चेहरे पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन में आ रहे हैं, विक्ट्री साइन भी दे रहे हैं यहाँ पे।